हाल फिलहाल में टीवी का सबसे विवादित शो बन चुका पहरेदार पिया की शूटिंग रुक गई है। मेकर्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये शूटिंग रोकी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पहरेदार पिया की सीरियल को बंद कर सकती है। जब एक दैनिक अखबार ने सीरियल के एक्टर जितेन लालवानी से संपर्क किया तो उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि अगर एपिसोड कल रात ऑन एयर नहीं हुआ है तो ये खबर सच हो सकती है। तो वहीं सुयश राय का कहना है कि वो भी शॉक में है। मैं शो में वापसी की तैयारी कर रहा था, तेजस्वी अच्छी दोस्त है और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। अगर शो बंद हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। दरअसल शो में 9 साल और 18 साल की एक लड़की के बीच विवाह को दिखाते हुए इस सीरियल की शुरू से ही आलोचना हो रही है। हाल ही में मेकर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शो की कहानी पर सफाई देनी पड़ी थी। शो के प्रोड्यूसर्स का कहना है कि ये सीरियल एक राजपूत लड़की के बारे में है जो एक मरते हुए पिता के वचन की रक्षा करती है। वो सिर्फ उस वचन को निभाने के लिए 9 साल के बच्चे से शादी करती है और उसके बाद भी उसकी पत्नी नहीं बल्कि पहरेदार बनती है। सीरियल में दिखाए गए सुहागरात सीन को लेकर मेकर्स ने कहा कि इसे उस तरह से नहीं दिखाया गया है। पहरेदार पिया की सीरियल शो को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ तक कि शो के कई सारे व्यूअर्स ने इस शो के खिलाफ याचिका भी दर्ज कराई है। इस याचिका में भी शो के कॉन्सेप्ट को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्मृति ईरानी ने भी गुहार सुनते हुए इस मामले को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स के पास आगे बढ़ा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बीसीसी से शो के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने को कहा है। अब मेकर्स इंतजार में है कि बीसीसी इस याचिका पर क्या सुनवाई करती है। खैर शो के तमाम फैंस के लिए ये तमाम खबरें निराशाजनक है और इस तरह शो का ऑफ एयर जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी। We'll be right back.